हैं जी, तीन तलवार कराची, ये एक इलाका है तीन तलवार, जिनको ना पता हो, बल तो खैर सभी जानते हैं। वो कहते हैं जी कि जनरल मोहम्मद ज़ियाउल्लाह के चहेते मियां मोहम्मद शरीफ थे। चहेते होने की वजूहत भी होती हैं। बहरहाल फिर उनकी औलाद मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ हम पे नाजिल हुए। अब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की यादगारें मरियम नवाज और हमजा शहबाज तैयारियां पकड़ रहे हैं। आप ही बताएं कि ये किस किस्म और किस कमाश की जमहूरियत है? क्या हम इनकी रियाया हैं? नस्ल दर नस्ल क्या हम उनके गुलाम हैं? अवैस मेमन साहब, मुझे थोड़ी सी हैरत भी हुई है कि मेरे जैसे बंदे से ये सवाल पूछा गया है, क्योंकि मुझे तो इस निजासत नुमा सियासत पर लिखते हुए से कंडेम करते हुए तकरीबन 30 बरस हो चुके, और जिस दिन आप जैसी सोच जरा सी भी आम हो गई, अवाम के दिन फिर जाएंगे, लेकिन मुझे ये दिन अभी दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। और उसकी वजह है हम नस्ल दर नस्ल गुलाम इब्ने गुलाम, रियाया इब्ने रियाया रहे हैं। झूठ बोलते हैं ये लोग जो कहते हैं कि 800, 850, 900 फलाना इतने साल बड़े सगीर पे मुसलमानों की हुकूमत, हरगिज नहीं, ये झूठ है, प्रोपेगेंडा है। मुसलमान हुक्मरान खानदानों की हुकूमत थी। मुसलमान अवाम की तो 2022 में नहीं है, मेजॉरिटी इस मुल्क की भारी अक्सरियत, उसकी नुमाइंदगी तो 1% भी नहीं है असेंबली में। भाई फ्रॉड है ये, झूठ बोलते हैं। और वो तो थे गजनबी, तो गौरी, तो सलातीन दिल्ली, फिर मुगल, फिर गोरे। सदियों की गुलामी, रियायापन, हम रियाया हैं। 14 अगस्त 1947 आपने एक अनाउंसमेंट कर दी, ऐसे कैसे हो सकता है? देखो एक बेसिक सी बात है, बहुत देर आप एक परिंदे को, इधर तो सदियों का खाता है, मैं कह रहा हूं 2-4-5 साल किसी परिंदे को पिंजरे में रखो, उसके बाद पिंजरा आप खोल दो उसका, तो चक्कर काट के वापस चला जाए। तो हम लोगों की तो यही कैफियत है, इससे ज्यादा कुछ नहीं।